कड़ाके की ठंड और संघनी धुंद के विच डाग स्क्वैड की टीम के नाल खेतां दे विचों विच तफतीश करन च जुटे अते भारी फोर्स दे नाल पैट्रोलिंग कर रहे BSF दे जवान अज तड़कसार नाल इत्थे बार्डर ते जो कुछ वापरिया वो बेहद हैरान कर देने वाला है। गुआंढी मुल्क दे कुछ शैताना ने साढ़े मुल्क दे ही कुछ गद्दारां दे नाल मिल सोहणियां जवानियां बर्बाद करन दी जो गंदी साजिश रची वह BSF दे जवानां ने जख्मी होण दे बावजूद बुरी तरह असफल करके रख दित्ती। इन्ना ही नहीं माड़ी करतूत करन आए इन्हां दुश्मनां नूं जवानां ने सारा समान छड भज्जण नूं मजबूर कर दिता। मामला है BSF दे सैक्टर गुरदासपुर अधीन आउंदी 99 बटालियन दी BOP चंदू वडाला दा, जिथे अज तड़कसार संघनी धुंद दे दौरान BSF दे जवानां अते पाकिस्तानी नशा तस्करां दरमियान मुठभेड़ हो गई, जिस दौरान BSF दा एक जवान गोली लगन नाल गंभीर फट्टड़ हो गया। सर्च ऑपरेशन दौरान BSF जवानों ने 47 किलोग्राम हैरोइन, 7 पैकेट अफीम अते 2 पिस्टल बरामद कीतियां। 3 आदमी बैठे हुए थे, आप देखेंगे तो इनके ये कुर्ते बैठे हैं, हमने वो सर्च डॉग लगाए, SSP साहब से हमने रिक्वेस्ट करी है, पूरी ताकत से पुलिस भी पकड़ने में लगी हुई है। पहले भी इसी जगह पर कोई 1.5 महीने पहले 1 किलोमीटर आगे इस जगह से एक अटैम्प्ट करा था, उस समय भी हमारे बहादुर जवान ने फायर करा था, पर किसी तरह से वो बच करके सामान मतलब नील ले पाए थे और निष्फल कर दिया था। पर इस बार मुझे लगता है सेम ग्रुप ने दोबारा अटैम्प्ट करा और हमारे बहादुर जवान ने उनका निष्फल कर दिया और सारा सामान जो तकरीबन 5 से 7 लोग तो जो पाँव के निशान है नदी के किनारे पर 5 से 7 स्मगलर पाकिस्तान से आए थे और यहाँ पर 3 से 4 इंडियन साइड के स्मगलर जरूर इन्वॉल्व। जो जख्मी है वो IRV हॉस्पिटल है, IRY हॉस्पिटल है प्राइवेट, वहाँ उसे एडमिट कर दिया है, वो स्टेबल है। और उस जवान का और इस साथ में जो ये राजू खड़ा है कांस्टेबल, इसका बहुत बहादुरीपूर्ण ये कारनामा था, इन्होंने अपनी इतने खतरनाक उसमें परिस्थितियों में अपने धैर्य को रखते हुए जिस तरह से रिटेलिएट करा और उनको भागने पर मजबूर कर दिया और इतनी बड़ी मात्रा में। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ इलेक्शन आने वाले हैं तो यहाँ की शांति को, यहाँ की जवानी को किस तरह से ये नष्ट करने का प्रयास कर रहे थे और क्या इसका अंजाम हो सकता था, तो ये सिर्फ वो लगाया जा सकता है, अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है। पर सीमा सुरक्षा बल है किसी भी प्रकार के कुत्सित प्रयासों को सफल नहीं होने देगी, चाहे कुछ भी हो जाए। सर्च ऑपरेशन चल रहा है कुत्तों की ड्रोन की मदद से, पाकिस्तान से भी कांटेक्ट करा जा रहा है कि भाई आप भी अपने एरिया में सर्च करो और आपके वहाँ से जो लोग आ रहे हैं इनको तुरंत प्रभाव से रोका जाए, पता कराया जाए कौन दोषी है। अभी जो ही ये धुंध हटेगी तो उनको मैसेज कर दिया गया है और 11:30 बजे का टाइम दे दिया है फ्लैग मीटिंग का। हाँ, ये बहुत बड़ी खैप है, बहुत अभी रिसेंट समय की बहुत बड़ी खैप है। 47 kg हेरोइन, 6 इसमें पैकेट अफीम के, तो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, आप समझ सकते हैं ये मतलब कोई 300 करोड़ की तकरीबन खैप होगी, प्लस हथियार हैं तो ये क्या। और इतना एमिनेशन मिलना, 74 राउंड AK-47 के, 44 राउंड पिस्टल के, 12 राउंड चाइनीज मेड पिस्टल के, तो ये सब दर्शाता है कि बहुत ज़बरदस्त उनकी साजिश थी और काफ़ी समय से वो प्रयास कर रहे थे। पर ये धुंध का मौसम अभी शुरू हुआ, आज पहला ही दिन था जब इतनी धुंध पड़ी है, नहीं तो इतने दिनों से और मौसम ठीक चल रहा था। भारतीय जवानों ने जो फायरिंग की वो पाकिस्तान तस्करों को भी लगी गोली का, पाकिस्तानी तस्करों को ऐसा नहीं लगता वो बच गए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि नीचे ज़मीन है, वो छुप रख मतलब नीचे क्रॉलिंग करते हुए थे, तो मुझे नहीं लगता शायद उनको लगी है, क्योंकि यदि गिरे लगी होती तो खून गिरा हुआ मिलता या वो कोई उनकी बॉडी मिलती। इस मामले में SSP गुरदासपुर का कहना है कि इधर वाले पास्यों पुराने समगलरां दा रिकॉर्ड कढ उन्हां ते रेड कर दोषियों की तलाश की जा रही है। DAG साहब ने तुहानू सारी डिटेल च दस्या कि किवें ऑपरेशन होया, किवें सारा इंसीडेंट होया मॉर्निंग च 5:15 बजे का। सो उस तो बाद जिहड़े अपने इंडियन साइड ते बंदे सी उन्हां बारे जिहड़ी साडे कोल इनफॉर्मेशन है ऑलरेडी, उस इनफॉर्मेशन ते भी वर्क कर रहे, जिवें पुराने समगलर कोई सीगे उन्हां दा सर्च कर रहे, उन्हां ते ही रेड कर रहे, जिहड़े कोई पुरानियां FIRs ने जिन्हां ते कोई मेजर रिकवरीज होई है उन्हां ते वर्क कर रहे, एंड होपफुली असीं जल्दी बंदे फड़ लांगे जिहड़े इधरले पासे इंडियन साइड ते आए सी। जिहड़े पाकिस्तान साइड ते आए सी, DAG साहब ने दस्सिया कि तुहाडी 11:30 बजे अज फ्लैग मीटिंग है, उहदे विच उह मुद्दा उठाणगे, उत्थे गल भी करनगे
ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੈਟ ਵੀਲ ਟੇਕ ਕੇਅਰ। ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਲਾਗੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਦੂਰ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਈਨ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਕੇ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ANPR ਕੈਮਰਾਜ਼ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਏ ਤਾਂ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਏ ਫੁੱਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ। ਇਸ ਅਭਿਆਨ 'ਚ ਪੂਰੀ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਵਾਨ ਰਾਜੂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਮਾਹੌਲ ਐਸਾ ਥਾ, ਹਮ ਲੋਕ शुरू से घूम रहा था, धुंध बहुत था, तो जस्ट मेजर से एक बार मिला था, तो मेजर इस तरफ अब डाइने तरफ चला गया, मैं बाई तरफ चला गया देखने के लिए। तो अचानक मेरे को फायर का आवाज़ आया, तो मैं भागते हुए आया, तो फायरिंग चल रहा है, तो मैं दौड़ के जाके गया, तो देखा मेजर लेटा हुआ है और चिल्ला रहा है जो गोली लग गया, गोली लग गया। तो मैं जाके मेजर को पकड़ा और कवरिंग फायर दिया, तो इस हालत में फायर भाग गया और पीछे के साइड से फायर करना शुरू कर दिया था, फिर हमने जब कवर दिया तो चला गया। खैर, साडे जवानों ने अपनी दलेरी दिखाते हुए दुश्मनों के मनसूबे नू पूरी तरह असफल कर उन्हां नू डर के भजन नू मजबूर कर दिता। हकीकत टीवी पंजाबी दे लई डेरा बाबा नानक तो अवतार सिंह की रिपोर्ट। अल्लाह ताला दे रहमत करम नाल तुरंत होएगा दुआ कबूल। रूहानी अते तिलस्मी इलम दे माहिर मियां कासिम हुसैन अजमेर वाले, कॉल करो 9079477891। कीता कराया सौतन दुश्मन तो छुटकारा, मोहनी वसीकरण, औलाद सुख, मनचाहा प्यार, प्यार च धोखा, प्रेमी प्रेमिका नूं तरफाउणा, पति पत्नी च अनबन, नोट, ज्योतिष, तांत्रिक, बाबियां तों निराश, दुखी भैण भरा एक बार जरूर संपर्क करन, 100% गारंटी नाल काम होवेगा। मियां कासिम हुसैन, कॉल करो 9079477891।